खास तौर पर भ्रष्टाचारियों का जो गठबंधन है उस पर इशारा किया है। इतने दल इकट्ठे हुए, अगर सबका खाता देने लगते तो बहुत से लोग पूरे शाम हो जाती। कुछ दलों के भ्रष्टाचार को बता दिया है, आगे भी बताएंगे उनके बारे में। ऐसा नहीं है कि जिनके नाम का जिक्र नहीं किया उनको कोई क्लीन चिट मिल गया। 15 का खाता बताना है, इतना लंबा खाता है कि बताते बताते शाम हो जाए और शाम में बताएं तो सुबह हो। नमस्कार, आप देख रहे बिहार इंसॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि आज बीजेपी के द्वारा मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस कार्यक्रम में संबोधन करते हुए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने विपक्षी एकजुटता पर जमकर तंज कसा, और वहीं साथ ही साथ विपक्ष के कई नेताओं और लालू प्रसाद यादव के घोटाले भी गिना दिए। अब इसको लेकर जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहनवाज हुसैन, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये जो बैठक हुई थी ये भ्रष्टाचारियों की बैठक थी, और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन भ्रष्टाचारियों की अगर भ्रष्टाचार गिनाने लगे तो सुबह से शाम और शाम से रात हो जाएगा। तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ करें शहनवाज हुसैन, पहले आप इस वीडियो में देखिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि जो ट्रिपल तलाक को उन्होंने ख़त्म किया और कई देशों ने ख़त्म किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में यही कहा है कि कानून देश में सबके लिए बराबर हो, ये भारत का संविधान भी कहता है। तो ये कहा है, किसी की पूजा पद्धति में इंटरफेयर थोड़ी कहा है, कहा है कि अधिकार तो सबके लिए बराबर ही होने चाहिए। फिर जो गरीब मुसलमान हैं, पसमंदा, जिनको बैकवर्ड मुस्लिम हैं, उनकी भी चिंता हम लोग करते हैं, करेंगे, इस बात की भी बात कही है। खास तौर पर भ्रष्टाचारियों का जो गठबंधन है उस पर इशारा किया है। इतने दल इकट्ठे हुए, अगर सबका खाता देने लगते तो बहुत से लोग पूरे शाम हो जाती। कुछ दलों के भ्रष्टाचार को बता दिया है, आगे भी बताएंगे उनके बारे में। ऐसा नहीं है कि जिनके नाम का जिक्र नहीं किया उनको कोई क्लीन चिट मिल गया, उसके बारे में भी। लेकिन 15 का खाता बताना है, इतना लंबा खाता है कि बताते बताते शाम हो जाए और शाम में बताएं तो सुबह हो जाए। विपक्षी पार्टियों के अलग अलग बोल हैं, ममता बनर्जी और कांग्रेस आमने सामने, ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस बीजेपी का सपोर्ट कर रही है। अरे, ममता बनर्जी तो कांग्रेस को ही से निकलकर कांग्रेस से की बागी हैं पुरानी, कांग्रेस को छोड़कर ही तो वो यहाँ पहुँची हैं, तो उनके बोल एक कैसे हो सकते हैं? कौन कह रहा है? अच्छा, विजय चौधरी जी तो कहेंगे ही, उनका काम है कहना, कोई फर्क नहीं पड़ता है कहने से। हम लोग कोई दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, कोई ये आरोप गलत है, देश के सब लोग साथ हैं, यहाँ तक के जिन नाम पर ये भरोसा करते थे, सेकुलरिज्म का वर्ड जो था, सबसे ज़्यादा नुकसान तो भारत के मुसलमानों का सेकुलर वर्ड से ही हुआ। सेकुलरिज्म के नाम पर सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाते थे। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, समाज का हर वर्ग नरेंद्र मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है। हम समाज के हर वर्ग को लेकर चल रहे हैं, किसी को छोड़ कर नहीं चल रहे हैं। इन सब की जो राजनीति है उसको पूरी तरह मोदी जी की राजनीति ने फेल कर दिया। लेकिन पीएम ने गारंटी दी है, गारंटी कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचार की गारंटी है वो, और प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गारंटी। तो अभी आपने देखा जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है शहनवाज हुसैन, उन्होंने विपक्षी एकजुटता की बैठक पर जमकर तंज कसा और साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारियों की बैठक थी, और भ्रष्टाचारियों की अगर भ्रष्टाचार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिनाने लग जाए तो सुबह से शाम और शाम से रात हो जाएगा। और भी क्या कुछ कहना था शहनवाज हुसैन का, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।